नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में प्राधिकरण ने कमर्शियल भवन मालिकों को जारी किया नोटिस। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। एक और शहर में जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ बड़े बड़े कमर्शियल भवनों को उनकी पार्किंग की व्यवस्था किए जाने को लेकर नोटिस भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी के मटर गली में व्यायामशाला की चार दुकानों को जहां आज नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया, तो वही दूसरी तरफ कोर्ट के निर्देशों के बाद प्राधिकरण ने 20 बड़े कमर्शियल भवन स्वामियों को पार्किंग की व्यवस्था करने का नोटिस जारी किया है। दरअसल बड़े बड़े कमर्शियल भवनों ने अपनी बिल्डिंगों को बनाकर पार्किंग को बेच डाला है, लिहाजा अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह का कहना है कि जहां अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, तो वही कमर्शियल बिल्डिंग की पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 20 कमर्शियल निर्माण को पार्किंग की व्यवस्था के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें से 12 ने अपनी पार्किंग की व्यवस्था कर ली है, जबकि 8 ने अभी जवाब नहीं दिया है। उनके खिलाफ आगे सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह का स्पष्ट कहना है कि सभी लोगों से अपील की जा रही है कि अवैध निर्माण न किए जाएं, साथ ही कमर्शियल भवनों में पार्किंग का नक्शा पास करने के बावजूद पार्किंग न दिए जाने या पार्किंग की जगह के दुरुपयोग किए जाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। प्राधिकरण का चरण की कार्रवाई थी, उसमें व्यायामशाला के एरिया में कुछ दुकानें निर्मित थी, उनको तोड़ा गया था, जिसमें चार दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी और चार दुकानों का लेंटर थोड़ा सा अवशेष रह गया था, उसे आंशिक रूप से रह गया था, इसको भी आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और मौके पर इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है, जो व्यायामशाला की खाली हुई है, वो नाप के इसको नगर निगम के सुपुर्द देख रेख के लिए किया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है, देखिए अभी जो व्यायामशाला के एरिया में जो दुकानें थी उनमें प्राधिकरण का चालान और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी, उसे ध्वस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य भूमि पर, जिसमें अभी राजस्व विभाग भी अपनी पैमाइश कर रहा है, अन्य भूमि पर जो भी उनकी पैमाइश रिपोर्ट होगी उसके आधार पर जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिंता हुई थी और जिसमें लगभग 30 मामले ऐसे थे जिनमें पार्किंग की वजह से उनमें कार्रवाई हुई थी, उनमें जिलाधिकारी महोदय ने मुझे नोटिस करने के लिए आदेश दिए थे। 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें से 12 लोगों ने अनुपालन करके अपनी पार्किंग की व्यवस्था कर ली थी, शेष जो 8 लोग थे उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की थी, उनको इसमें नोटिस दिया गया और उसके बाद उनको उनका चालान कर दिया गया है। और आज उसमें तिथि निर्धारित है, जिन लोगों ने उसका कंप्लायंस कर दिया होगा उनमें चालान की कार्रवाई के बाद की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी, और जिन्होंने उसमें चालान के बाद भी अनुपालन नहीं किया होगा उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।